रहा है फहद हमदे सर्विस को, किस तरह से सर्विस करेंगे फहद वो देखा जाएगा। और आमक क्या करेगा, क्या चेंज कराएगा आमक या इस पे पॉइंट अजीत करेगा कटोरी। बहुत खूबसूरत सर्विस थी, उनका पास किया गया मोहम्मद आलम वहां पे, लेकिन अच्छा ब्लॉक किया गया। फिर गेंद सरली हवा में लंबा क्रॉस कर दिया है, वहां पे संभाल लिया थर्ड लाइन पे बेहतरीन अंदाज में। फिर बैक से आए हुए कैसा डिस्पोजल हैंड का इस्तेमाल किया था, लेकिन कामयाब नहीं होने दिया आलम। और एक मतलब फिर गेंद हवा में तैर रही है, इसको संभालने की पूरी कोशिश की गई है। आलम लंबा क्रॉस करना चाहा लेकिन अंडर नेट, नाउ स्कोर 1-3। स्कोर का आगाज किया है कटोरी सर्विस के साथ, सर्विस के साथ कटोरी। और चमनी के जो मेहमान खास हाफिज फुरकान साहब खंडरपुर मौजूदा प्रधान, उनका शुक्र अदा कर रहा है मुंतज जमीनी कमेटी कि आपने बच्चा कर हिस्सा लिया, जमीन में चार चांद लगाया, अच्छी सर्विस की गई। फिर ये साजिद तेज प्रहार किया काउंटर अटैकर का, और नतीजा ये हुआ कि सर्विस को चेंज कराने में कामयाब हुए 3-1। 3-1 के स्कोर पे एक मुकाबला आपके सामने चल रहा है जमालपुर आजमगढ़ 2022 में, ये वॉलीबॉल का खुश कमेंट। एक मतलब फिर आप देख रहे हैं कि किसी तरह से खेल कर सर्विस को चेंज कराने में कामयाब। बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं वॉलीबॉल का कमेंट देखने को मिले। तो जमालपुर ने वो रात आज सजाई है, वो शाम आज सजाई है जमालपुर की। आइए आप वॉलीबॉल के मैदान को आप देखें। एक मतलब फिर शॉट गेंद को से डिफेंड किया गया वहां पे, लेकिन हल्का सा क्रॉस किया गया है, खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। एक और खूबसूरत वहां पे मैं देख रहा हूँ कि ये अवे कर बैठे। नतीजा ये हुआ कि टीम का स्कोर जब पहुंचा है 2-3, 2-3 का स्कोर। बहुत अच्छी सर्विस, बहुत खूबसूरत सर्विस थी, उमदा सर्विस। और ये मोहम्मद आलम, लेकिन बेहतरीन वहां डिफेंड किया गया है, हल्का सा क्रॉस किया गया, खूबसूरती के साथ संभाला गया। एक मौका फिर आप देख रहे हैं, बैक से याद ना जा डेथ ब्लॉक करना चाहा, लेकिन पंचायत में कामयाब रहे, अपने मिशन और मकसद में कामयाब रहे 3-2 के स्कोर पे। एक मौका फिर तैयार हो रहे हैं शुरू 3-2 का स्कोर। एक मतलब फिर वहां पे आप देख रहे हैं कि लवली स्मैश, लवली स्मैश कमेंट शॉट कहा जाएगा वहां पे। तो खिलाड़ी का 8 नंबर में है और बेहतरीन प्रहार किया, आते ही बता दिया है कि आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, मेहमान का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हाफिज फुरकान साहब का। फिर स्टार्ट गेट की हल्के से सहाया था, लेकिन फिर वहां पे आए और इस मरतबा मिशन में कामयाब रहा कटोली। और यहाँ पे अभी 3-3 समझौता स्कोर है, बिल्कुल बिल्कुल ही दिख रहा है, उसको रास्ता इस केस से और डार्क कर दे तो पॉइंट दिखेगा दोस्त। और फिर वो कैसा लंबा क्रॉस किया, कर्नर पे फहद मौजूद, तो फिर आना जा रहा है और ये बेहतरीन ब्लॉक को तोड़ने में कामयाब। वेरी वेल कॉट, नेट चार्ज किए गए हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट। अब लीड ले रहा है कटोली 4-3, कटोली 4 और आमक 3, लीड लिया है फर्स्ट टाइम लीड बाई आमक कटोली। एक और अच्छी सर्विस, बिल्कुल सही पास नहीं मिल रहा है और लंबा क्रॉस करना चाहा, क्रॉस किया गया सहली है। फिर वहां पे थर्ड लाइन पे डिफेंडर मौजूद था, लेकिन यहां पे मैंने कहा कि खिलाड़ी निर्चार्ज किया गया। तो सर्विस 3-4 का स्कोर है, सर्विस चेंज 3-4। शेरू टू सर्व इस मरतबा अच्छी सर्विस को पास किया गया है और बैक से आए बेहतरीन प्रहार किए अमन, सब इसको चेंज कराने में कामयाब हुए, सब इसको चेंज करने में कामयाब हुए अमन। और नतीजा ये है 4-3, 4-3 के स्कोर पे हाफिज फुरकान साहब की मौजूदगी में ये मुकाबला उन्हीं के हाथों से कॉमिन का उद्घाटन किया गया। बाल सर्विस सर्वे वंस अगेन सर्विस चेंज शुरू टू सर, शुरू किए बहुत ही उमदा सर्विस थी। अमान ने अच्छा पास किया और ये काउंटर, लेकिन अंडर नेट ट्राई कर बैठा, एक पॉइंट मिल जाएगा 4-4। दोनों टीम संघर्ष कर रही है कि संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो ये संघर्ष जारी है दोनों टीम के बीच। 4-4 के साथ ये आउट ऑफ मार्क टच कर बैठे, बड़ी आसानी के साथ सभी चेंज होगी 4-4 के स्कोर पे। कि न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, बस अच्छा खेल दिखाना जरूरी है। अच्छा खेल दिखाएंगे तो आप लोगों का दिल जीतेंगे। एक मतलब फिर आप देख रहे हैं, आलम है टच का चक्कर था, जाम के जाम टकरा के मारा है, छलका के मारा है 4-4 के स्कोर पे। 4-4 के स्कोर पे ये मुकाबला चल रहा है
और आप इस प्रकार साहब जो कॉमेंट का पूरा मजा ले रहे हैं, शेरों की एक और ऑन द सर्विस थी लहराती हुई, इस मतलब बहुत खूबसूरत पास किया गया, फिर यहाँ पे अमान आया लेकिन संभाल लिया गया। किसको आजमाएंगे, फिर आलम को आजमाएंगे, बाप दिया जगह देख रहे थे लेकिन संभाल लिया, वहां पे हल्का सा क्रॉस किया गया है और अब गेंद नहीं संभली, तेरे मेरे चक्कर में गेंद हुई डाउन 4 बराबर के स्कोर पे। सही तरीके से मैं देख रहा हूं ये खेल, बड़ी खूबसूरती के साथ ये अंधन ने कभी उम्र कम है तराशा जा रहा है। पॉइंट 5, जो बच्चे कुर्सी पर बैठे हैं दोस्त कुर्सी छोड़ दें, अपने आए मेहमानों को बैठने का मौका दें, बड़ी मेहरबानी होगी दोस्त, क्योंकि बेहतरीन ये दिलकश मुकाबला आपके सामने। फिर मुझे हल्का सा क्रॉस किया था लेकिन वहां संभाल लिया गया है, खूबसूरती का फिर आलम आए, टच का चक्कर था लेकिन कामयाब नहीं होने दिया, संभाल लिया गया है और फिर शहद आए, बेहतरीन डिफेंड में कहूंगा वहां पे गेस संभली है, कटौली के कोर्ट से अच्छा ब्लॉक करना चाहा लेकिन मैं देख रहा हूं कि टच आउट करने में कामयाब हुए, तो यहां पे स्कोर जा पहुंचा है अब 6-4, 6-4 का स्कोर दोस्त यहां पे है, 6 तो कुछ दिखा है। और तरह से एक और पॉइंट मिल जाएगा यहां पे 7-4, गुड गोइंग गुड गोइंग के पहले कंटिन्यू सर्विस कंटिन्यू पॉइंट। आकिब फुरकान साहब आपका शुक्रिया, बेहतरीन लवली स्मिथ बाई साजिद, बेहतरीन प्रहार के हर साजिद साहब उसको चेंज कराने में कामयाब, 4-7 के स्कोर पे। कुछ करना चाह रहा है आवक, आवक के मैं दिख रहा हूं सुपर टीम के साथ नहीं है मशयद, लेकिन ये बच्चा बेहतरीन बुस्टिंग कर रहा है, प्लेयर बेहतरीन अच्छे अंदाज में फिर वहां पे संभालने की कोशिश, लेकिन साजिद ने संभाला है एक मरतबा, फिर आप दिख रहे हैं आलम दबाए गए, खुद तक मैं दिख रहा हूं खेल चल रहा है, फिर आलम और इस मरतबा आलम ने चतुराई दिखाई, एक पॉइंट हासिल किया 5-7 के स्कोर पे। अगला मुकाबला दोस्त किसका होगा ये टीम का भी बता रहे दोस्त, बेहतर होगा बेहतर होगा 5-7 का स्कोर, उससे तो ये शो सोच समझ के सर्विस करना चाह रहे हैं। कुछ बातचीत करते हुए साजिद साहब, फिर से रुपया बच्चे जो बैठे दोस्त कुर्सियां छोड़ दें, गांव के जो बच्चे हैं कुर्सी छोड़ दें, गांव के बच्चे कुर्सियां छोड़ दें, और ये शुरू एक मतलब फिर बहुत खूबसूरत तबियत थी, अच्छा पास किया गया, एक ने डांस दिया दूसरे ने काम किया और अपने टीम का भी काम किया सब चेंज की शक्ल में, तो तमाम लोगों का शुक्रिया जो समय के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों का वेलकम और खैरमकदम कर रहा हूं। तैयार होते हुए एक मतलब फिर बहुत खूबसूरत सर्विस थी, सही तरीके से यहां पे आप देख रहे हैं और ये आए आलम गुड ब्लॉक, खूबसूरती के साथ ये खेल दोस्त आगे बढ़ रहा है, 8-5 का स्कोर है, फिर संभालने की पूरी कोशिश संभाल लिया गया और इस मरतबा विल का नेट चार्ज किया गया है दोस्त और सब चेंज हुई सर्विस। दोस्त हमारे बीच हाफिज फुरकान साहब प्रधान खंदरपुर हर के दोस्त, ये बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को पसंद करते हैं, निजामाबाद से ये अपनी किस्मत को आजमा भी सकते हैं, निजामाबाद के भव्य प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, जो अपने मिशन में कामयाब रहे। हाफिज फुरकान साहब ये 2002 जो 24 का इलेक्शन होगा, 2026 का इलेक्शन होगा दोस्त, तो उसमें ये भव्य प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो यहाँ पे आमक के लोगों को समझाया जा रहा है, आमक के खिलाड़ियों को दोस्त बताया जा रहा है कि आप अपने गेम में जरा सा तेजी लाएं और ऐसे समाज सेवी की जरूरत भी है, ऐसे समाज सेवी की जरूरत है, आप लाख कमेंट करवा लें, आलम बबी साहब कभी नहीं आने वाले हैं, आपके काम कभी नहीं आने वाले हैं, कभी नहीं आ रहे, सिर्फ वो जीतना जानते हैं। दस पांच का स्कोर है, 10-5 आवक टीम ने टाइम आउट लिया था, अब उसका कितना मिलेगा एडवांटेज आवक को, तो
हाफिज फुरकान साहब आपका शुक्रिया कि आपने ये सूचना दी कि मैं तैयारी कर रहा हूं 2026 के बहुजन समाज पार्टी से निजामाबाद क्षेत्र से और बेहतरीन निस्मत फिर मैं देख रहा हूं और ये आलम टच आउट करने में कामयाब रहे, टच आउट करने में कामयाब रहे आलम। और क्या से बहुत देर के बाद मैं देख रहा हूं स्कोर तो यहां पे सब चेंज हुई 5 और 10, 5 पॉइंट की लीड ले रखी है कतौनी। तो आम आपको पलटावार करना होगा, पीछे मुड़कर देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। बेहतरीन फिर यहां पे अब ने 4 से 2 पॉइंट बहुत देर के बाद मिला है 6 और 10, 6 10। तो हाफिज फुरकान साहब के जो समाज सेवी हैं, ये समाज की सेवा करना जानते हैं, लोगों के साथ जो के रहना जानते हैं, अभी उम्र कम है लेकिन लोगों में बड़े चाहत है इनके लिए और बहुत ही अच्छा बचाव किया आलम। उसी कहा जाता है तजर्बा, एक्सपीरियंस कहा जाता है दोस्त। एक और पॉइंट, कंटिन्यू सर्विस, कंटिन्यू पॉइंट, 7 अगेंस्ट 10। एक और बड़े खाते हुए सर्विस से संभाला गया है काउंटर को, अपनाया जा रहा है लवली इसमें वहां पर काउंटर का सर्विस को चेंज कराने में कामयाबी 10 और 7 के स्कोर पे, 10-7 के स्कोर पे ये मुकाबला आपके सामने है। कटौली क्या करेगा, क्या इस चेंज का एडवांटेज लेगा, खराब सर्विस